नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बाबा चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। कल के लिए कंप्लीट ट्रेड सेटअप, कल एक्सपायरी भी है तो उसकी भी तैयारी करेंगे हम। तो अब हमने कल कहा था निफ्टी में कि 13630 के ऊपर अगर निफ्टी आई तो वहां से ब्रेकआउट आएगा, तो वही हुआ। यहां से एक ब्रेकआउट आया और यहां तक हमें हाई मिला और इस तरह से 70 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहां से हुआ। तो इसने आज 13670 भी तोड़ा और ऊपर भी गई 13700 तक। जो हमने दो टारगेट दिए थे, 13670 और 13700, तो वही मिले। सुबह निफ्टी ऊपर खुली तो नेचुरली था कि इसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आनी थी तो वो आई, और इस तरह से अप डाउन के बाद ये ऊपर की ओर सस्टेन। तो अब बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी भी ऊपर खुली, ऊपर खुलने के बाद ये नीचे की ओर, ये इधर कोई भी हमें ट्रेड अच्छी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जब नीचे आ रही थी तो ऐसा लगेगा हमें कि यहां से बाउंस बैक हो सकती है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिली। उसके बाद ट्रेड हमें कहाँ मिली? यहाँ पे, जैसे कि मैंने कल कहा था कि 30675 के ऊपर निफ्टी आए, बैंक निफ्टी आए, तो यहाँ से आपने कॉल लेनी है, तो वही हुआ। तो ये वाला जो टारगेट था वो हमें जरूर छोटा सा मिला, 100 125 पॉइंट का। तो इस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी बड़ी रेंज बाउंड सी रही। इसमें कोई खास प्रॉफिट हमें आज ऐसा नहीं हुआ जैसा बैंक निफ्टी रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि पहले से काफी हाई खुल गई। उसके बाद अगर तीनों स्टॉक्स की बात करें, तीनों स्टॉक्स ऊपर तो गए पर ये भी ऊपर ही खुले। जैसे सबसे पहले हम भारत फोर्ज को लेते हैं, भारत फोर्ज ऊपर ही खुला, सीधा 566 पर ही खुला जो हमें टारगेट दिया था, और उसके बाद इसने नीचे डिप मारा। तो इस तरह से इसमें कोई ट्रेड नहीं बनी। मैंने कहा हुआ जैसे कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स भी ऊपर खुले गैप अप के साथ तो वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब वो डिप मार दे, तो वही हुआ। तो इसने बाद में डिप लगाया, तो इस तरह से हमारी कोई भी ट्रेड इसमें नहीं बनी। दूसरा स्टॉक था हमने जो कल दिया था वो था टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में अगर देखें तो हमें 636 के पास ये मिला और ऊपर 645 तक हाई लगा। ये भी पहले हाई खुला, ये काफी ऊपर खुला 650 के, पर जब नीचे आए तभी इसे लेना है। जब तक किसी लेवल के ऊपर सस्टेन ना हो तब तक इसे नहीं लेना। ये सस्टेन का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये कैंडल शेडो बना रही है, और इसको मैं जरा उसमें भी बता देता हूं 3 मिनट के चार्ट पर। ये देखिए, आज थोड़ा ट्रेडिंग का भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आइए, 3 3 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर जरूर हमें प्रॉफिट होना चाहिए इतने से एरिया में, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने बाय किया तो जहाँ हमने लिया था वहीं एग्जिट हो गए, फिर बाय किया फिर एग्जिट हो गए। तो इस तरह से 3 मिनट की कैंडल के हिसाब से अगर देखें तो हमें जहाँ कहीं बेस मिला तो वो यहाँ मिला, यहाँ यहाँ 3 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी और फिर यहाँ बनी। तो इसके बाद ये ऊपर की ओर ही रही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये प्रॉफिट छोटा सा हुआ, तो इसलिए इसे हम कोई खास प्रॉफिट नहीं मानेंगे। तो उसके बाद अगला अगला स्टॉक जो है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में हम 15 मिनट का ही लगाते हैं, 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 1931 के पास मिला, ये कितनी अच्छी शेडो बनाई है इसने, और ऊपर 1954 तक का टारगेट हमें मिला। तो इस तरह से हमें अगर कुछ मिला तो कोटक बैंक में, ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो बड़ा प्रॉफिट है वही मिला हमें 10 15 पॉइंट का। तो कल के लिए जो स्टॉक हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं वो है, एक तो पहले यूपीएल। यूपीएल को आपने
अगर 452 के पास मिले तो बाय करना है यहाँ से, और पहला टारगेट 468, 478 और 493, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस, वो रहेगा 448 पर। उसके बाद सेकंड स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में आपने अगर 245 के पास मिले तो बेस्ट, अगर ना मिले तो आपने यहां पर लेना है, इसके ऊपर 251 के ऊपर, 252 के ऊपर यहां पर आए तो बाय करना है। फिर 240 का स्टॉप लॉस लगा दो आप, और टारगेट 255 और 261। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है, तीसरा स्टॉक हमारा रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है, और इसको आपने 645 के ऊपर बाय करना है, और अगर 636 के पास भी मिले तब भी बेस्ट है, अगर यहां पर भी मिले तब भी बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, यहां मिल जाए ठीक, अगर नहीं यहां मिले तब भी ठीक, और उसके बाद 650 और 666। कोई भी चीज को इस सब बीच में नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, मान लीजिए हमने 640 पे ले लिया तो हो सकता है बाद में ये नीचे डिप लगा दे और फिर आपको 4 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर इस लेवल के पास लेंगे तभी फायदा है, 636-637 के पास लें, अगर हाथ से निकल गए कोई बात नहीं, आप 646 पे लें। अगर सही इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इसका यही तरीका है कि आप लेवल का इंतजार करें और तभी कुछ बाय करें, उसके बाद तभी लेवल आपको बताए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी के लेवल भी आपको रट गए होंगे, फिर भी हम बताते हैं। देखिए ये 30,675 के पास बंद हुई है, अगर कल ये 30,700 आसपास यहाँ कहीं खुले इस एरिया में, तो आपने 30,600 की कॉल पकड़नी है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 30,830। उसके बाद 31,020 तक के टारगेट हमें इसमें भी मिल सकते हैं। और थोड़ा सा हम कर दें, हाँ यहाँ से क्लियर आएगा आपको सारे, यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद 30,675 के पास मिले तो ठीक, अगर यहाँ नहीं मिले तो अगर ये वाला लेवल तोड़ दे, ये कौन सा लेवल है, 30,640 का, अगर इसके नीचे मिले तो आपने एक पुट लेनी है, वो भी 30,600 के ही लेनी है पुट, और नीचे का टारगेट रहेगा 30,440। 30,440 आए फिर से कॉल लेनी है, और ऊपर का 30,640, 30,675, 30,830, 31,020, 31,184 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कल 30,829 पे ही बैंक निफ्टी खुल जाए तो 30,800 की कॉल पकड़नी है, स्टॉप लॉस 30,829 का ही रखना है, और फिर ऊपर के टारगेट हमें मिलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है समझ आ गई। पहले अगर 30,675 की, दोबारा रिपीट करता हूँ, तो 30,600 की कॉल लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा 30,640 का, और टारगेट रहेंगे ये ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए 30,640 तोड़ दे तो आपने पुट ले लेनी है, और 30,440 जैसे ही आए फिर से आपने कॉल लेनी है, और ऊपर के टारगेट हमें मिलेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। और उसके बाद अब आते हैं निफ्टी पर। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो क्या कहती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13,500 की जो पुट राइटिंग है वो कितनी है, ये 35,43,000 है, और 13,500 की कॉल पे 9 लाख सिर्फ कॉल राइटर रह गया, और ये सारा भाग गया, 13,64,000 रन हो गया, इसने फिर से पैसा गवा दिया। 13,600 पे 14,23,000 फिर से ये लॉस गवा कर निकल गया, और 18,43,875 ये कॉल राइटर रह गया, और 13,600 पर 32,65,000 तकरीबन 24,20,000 पुट राइटर इसमें ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है,
13,600, 13,550, ये काफी स्ट्रांग एरिया है, 13,500 से 13,600। अब ये टूटने वाला नहीं है, काफी स्ट्रांग एरिया है। अगर जैसे ही निफ्टी इसके बीच में आए तो इसे सिर्फ बाय कीजिए। उसके बाद ऊपर के लेवल पर देखते हैं, 13,700 पे 12,13,000 और तकरीबन 11 लाख इसमें ऐड हुए हैं। और कॉल राइटर का हाल देखते हैं, इसमें सिर्फ 2 लाख, इसमें सिर्फ 2,18,000 ही ऐड हुआ है। कॉल राइटर इधर ऐड हुआ है 10 लाख, लगभग 5 गुना ज्यादा कॉल राइटर आज, पुट राइटर आज की डेट में ऐड हुआ है। तो इसका मतलब 13,700 भी क्रॉस हो जाएगा, कल निफ्टी 13,700 क्रॉस करेगी। उसके बाद ऑप्शन चेन दिखा रही है क्लियर कि कल 13,700 क्रॉस होगा। और उसके बाद यहाँ देखिए, 13,750 पे 19 लाख और 13,750 पे पुट राइटर है सिर्फ 1,48,000। 13,750 पे कॉल राइटर जो ऐड हुआ है वो हुआ है 7,64,000। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर 13,750 पर, मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से 13,750 कल का रेजिस्टेंस है। तो अब आते हैं हम टेक्निकल चार्ट पे। तो चार्ट हमें क्या कहते हैं, चार्ट हमें कौन सा टारगेट दे रहा है कल के लिए, कल एक्सपायरी कहाँ होगी, तो ये देखते हैं। तो कल की एक्सपायरी, कल जो टारगेट निकल रहा है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से वो निकल रहा है 13,781। और मान लीजिए अब ये निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुई है, और जैसे कि यूएस में एफडीए की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, फेड ने ये फैसला लेना है कि अब आगे की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रहेगी। तो उसके लिए जो क्रेडिट पॉलिसी आनी है फेड की, तो उसने फिर से रिलीफ ही देना है सबको। तो रिलीफ मिलेगा तो इस वजह से मार्केट फिर से बढ़ेगी, और कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो। तो 13,700 से 13,750 के बीच में अगर मार्केट खुले तो 13,750 जैसे ही है, जिसने आज निफ्टी की कॉल होल्ड की है तो उसे 13,750 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि 13,750 पे ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस है, पर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 13,781। और कल अगर 750 आराम से क्रॉस हुआ तो 13,780 भी लगेगा, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग पक्के तौर पर आएगी क्योंकि कल एक्सपायरी है। और नीचे की ओर फिर से डिप मारेगी निफ्टी, वो जाएगी 13,600 तक। इस तरह से कल अगर मान लीजिए 13,670 को निफ्टी तोड़े तो उसके बाद पुट ले लेनी है, और 13,600 पर आकर आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। और 13,600 से फिर से हमने कॉल लेनी है, और वो फिर से 13,700 तक जाएगी, फिर 13,700 क्रॉस नहीं होगा। समझिए, पहले तो 13,750 पे अगर निफ्टी खुले तो सीधा आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। मान लीजिए 13,700 के पास खुले निफ्टी तो 13,700 की कॉल लेनी है, टारगेट रहेगा 13,750, 13,780। और अगर 13,700 तोड़ दिया और 13,670 तक वेट करना है, 13,670 के भी नीचे तोड़ दिया तो 13,595 तक निफ्टी जाएगी, फिर वहां से फिर से रिवर्स मारेगी। तो ये रहा हमारा कंप्लीट ट्रेड सेटअप कल के लिए। 3 स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसे कॉल लेनी है, कैसे पुट लेनी है, सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज्वाइन कीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल पर आइए। वहां पर हम डेली कमेंट्री भी देते हैं मार्केट पर, अगर मार्केट कहीं फंसी हुई हो तो उसके बारे में वहां पे बताते भी हैं कि अब क्या होने वाला है। उसके अलावा अगर किसी ने डीमेट अकाउंट खोलना है एंजल ब्रोकिंग में, तो नीचे लिंक दिया है, तो वहां से अपना डीमेट अकाउंट खोल ले। और फिर से हम कहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।